गोरखपुर स्थित बाबा गोरखनाथ का मंदिर देश की मशहूर पीठों में शुमार है। यहाँ साल भर लाखों लोग सिर्फ देने और मांगने का भाव लेकर आते हैं, यथाशक्ति देते हैं और मन्नत पूरी होने पर दोबारा बाबा के दर पर आकर देने का संकल्प भी लेते हैं। ऐसे में अगर पीठ का पीठाधीश्वर उनसे कुछ मांगने उनके दरवाजे पर आ जाए तो उनका मनोभाव सोचिए। शनिवार को जब गोरखपीठाधीश्वर विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कुछ घरों पर जनसंपर्क को गए तो वहीं भाव लोगों में दिखा। मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कॉलोनी में जनसंपर्क किया और विकास, सुशासन एवं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में मतदान कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान सीएम योगी, गोपाल मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपक कक्कर, गुरुद्वारा प्रबंध समिति मोहद्दीपुर के सचिव मनमोहन लाड़े, पूनम भाटिया, छत्रपाल व खत्री समाज के डॉक्टर हरीश अरोड़ा के घर पहुंचे, परिवार के सदस्यों से चिर परिचित आत्मीयता से संवाद किया, उनका कुशल क्षेम जाना। इन सभी के घरों के लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर था। परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की भव्य अगवानी की तो महिलाओं ने थाल सजाकर उनकी आरती भी उतारी। यूं तो अति व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री कुछ घरों में ही जनसंपर्क करने गए, लेकिन समूची कॉलोनी के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मुख्यमंत्री के कॉलोनी में आने से लेकर समूची जनसंपर्क यात्रा के दौरान न केवल उनके जयकारे लगते रहे, बल्कि सभी घरों की छतों पर खड़ी महिलाओं व बच्चों ने उन पर जमकर फूल बरसाए। मोहद्दीपुर गुरुद्वारा कॉलोनी पूरी तरह योगीमय नजर आ रही थी। हर व्यक्ति मुख्यमंत्री को देखने, उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने को बेताब था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार प्रसार का डोर टू डोर कैंपेनिंग के प्रचार की शुरुआत पंजाबी कॉलोनी से ही करते हैं, जहां इसकी वजह पंजाबियों द्वारा योगी को भक्तों के रूप में दिए जाने वाले समर्थन मानते हैं। योगी आदित्यनाथ 5 वर्षों के दौरान 7वीं बार मोहद्दीपुर के इस मोहल्ले में पहुंचे। 10,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लोग पूरी तरह से योगी के समर्थक होने के साथ ही व्यापारी वर्ग के हैं, जिनके दुकान, फैक्ट्री और मकान में 200 लोग काम करते हैं। ऐसे में पंजाबियों के समर्थन में आने से योगी की चुनावी रणनीति भी सफल होने के आसार हैं। पंजाबियों के द्वारा उनके फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगी के सपोर्ट में रहेंगे, जिसके संबंध में पंजाबी कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि यूपी में फिर से योगी ही आएंगे और गोरखपुर में रहना है, योगी योगी ही कहना है। उन्होंने कहा कि वह गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के लिए ही बने हैं और जीतना उन्हीं को है। नागरिकों ने कहा कि जैसे ही योगी जी ने इस कॉलोनी में प्रवेश किया, हमें लगा सुदामा के घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने चरण रखे। उन्होंने बताया कि योगी जी से हम लोग के परिवार से वर्षों से संबंध रहा है। वहीं पर सीएम योगी जिनके घर गए, उस घर के सदस्य ने बताया कि जैसे घर के मुखिया होते हैं, वैसे घर के मुखिया अपने घर में आए और बच्चों के हालचाल लिया और सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विकास के बारे में बात की, राम मंदिर के बारे में बात किया और गोरखपुर को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को योगी जी से कुछ सीख लेनी चाहिए, विपक्ष सीख लेगा तो अकल आ जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के सचिव मनमोहन सिंह सलूजा, गोपाल मंदिर के अध्यक्ष दीपक कक्कर, परमप्रीत कौर, हरमीत कौर खालसा, तोशिबा आनंद, नीता आनंद तथा पूनम भाटिया, नीलम कक्कर तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जि
मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छी हुई है। क्या बोले महाराज जी? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दिया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। साकेत कक्कड़। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के घर आए हैं वो। क्या बात हुई है? बात भी नहीं, बस पैर छुए थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला बड़े रहो, उन्होंने बोला कि मतलब हमेशा बड़े रहो और मतलब आगे बढ़ो और आशीर्वाद दिया उन्होंने। नीलम कक्कड़। उन्होंने वोट के लिए अपील की है, हमारे घर वो आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े महानुभाव का आना, चलकर आना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और उनकी जीत यूपी के लिए निश्चित है और उनको जीतना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना विकास कार्य उन्होंने यूपी में किया है किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया है। क्या लगता है क्या इस बार का वोट निकलेगा? वो इस बार वो निश्चित जीतेंगे क्योंकि हिंदुत्व के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कदम उन्होंने बढ़ाए हैं वह अभी तक भारत में कोई मुख्यमंत्री बढ़ा नहीं पाए थे। कैसा लगा आपको? एकदम अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत अच्छा लगा। बाकी वो तो हम लोगों के अभिभावक हैं, आराध्य हैं और मेरा परिवार योगी जी के साथ। क्या कहें आपको? तो उन्होंने हम लोगों ने खुद ही महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपको कहीं प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आपका प्रचार कर रहे हैं, आपको भारी मोहम्मद से जिताएंगे और पूरी उम्मीद है कि 300 से ऊपर सीटें लेकर के आप पुनः फिर से मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश को सुशोभित करेंगे। तोशिबा आनंद, नीता आनंद। हमारे यहाँ योगी जी वापस ही आएंगे। आपके घर आए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत उत्साह के साथ हम लोगों ने उनका स्वागत किया। क्या बहुत अच्छा क्या लगा उन्होंने? वो बहुत खुश हैं, वो भी यही जान रहे कि वही आएंगे और वही जीतेंगे इस बार भी। थैंक यू। परमप्रीत कौर सतवाल। आपके घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा भगवान हमारे घर चल के आए हैं। क्या कहा योगी जी ने? वोट डालने को कहा बट वोट तो हमें उन्हीं को देना है, हमें गोरखपुर में ही रहना है, हमें योगी योगी ही कहना है, नथिंग एल्स। क्या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या जीतेंगे? जीतेंगे, जीतना उन्हीं को है, वो गोरखपुर के लिए बने और गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के लिए बनाए हैं। ईस्ट और वेस्ट, गोगी इज द बेस्ट, वी वांट योगी जी। आज महाराज जी आपके घर आए हैं, कैसा लगा? मैं दीपक कक्कड़, गोपाल मंदिर का अध्यक्ष। महाराज जी हमारे गोपाल मंदिर में भी आए, उन्होंने 5 मिनट समय दिया क्योंकि समय की कमी के कारण वो हमारे घर भी आए, उनका प्रवेश हुआ, हमारा घर धन हो गया। हम लोग पुराने जनसंघ और बीजेपी के पुराने सेवक रहे हैं, महाराज जी को आश्वासन दिया कि महाराज जी इस वर्ष भी आपने विजयी होना है और भारी मतों से विजयी होके आना है। धन्यवाद। कितने सीटें लाएंगे महाराज जी? क्या कहें महाराज जी? बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे और बाकी किसी पार्टी का उसके अनुपालन में साथ नहीं रहेगा, ये बहुत हजारों वोट से ये विजयी होंगे। महाराज जी कुछ कहा भी आपसे? महाराज जी ने सिर्फ आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद ही, उनकी एक भावना को हम लोग समझ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। और महाराज जी कहें या ना कहें, हम लोग की वोट तो बीजेपी को जानी ही जानी है जी। मनमोहन सिंह सलूजा, गुरुद्वारा सचिव, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर गोरखपुर। महाराज जी आए, आपके घर कैसा लगा? क्या वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज परम पूज्य महाराज जी हमारे
गृह में प्रवेश किया, हमें तो ऐसे लगा जैसे सुदामा के घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चरण अपने रखे हैं। महाराज जी का आज का नहीं, वर्षों से इस पर हमारे परिवार से संबंध रहा है, और खासकर सिख और पंजाबी समाज के लिए महाराज जी ने, पहले भी सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री बनते हुए, गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने अवमुक्त कराए और गुरुद्वारों का सौंदर्यीकरण कराया। मैं एक आपके माध्यम से ये बात जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये चुनाव जो है महाराज जी नहीं लड़ रहे, ये गोरखपुर की जनता लड़ रही है, और सिख समाज पंजाबी समाज ही नहीं, हर समाज वर्ग का लोग, हम लोग महाराज जी को इस बात के लिए एकदम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि महाराज जी और जिलों में अपना चुनाव प्रचार देखे, पर गोरखपुर जिले के अंदर जितने भी 9 विधानसभाएं हैं इन सभी में समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं जाकर घर घर में वोट डालने की अपील करेंगे और महाराज जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। यही हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, अरदास है, और आज हम धन्य हो गए कि महाराज जी ने हमारे घर में अपने चरण डाले हैं। महाराज जी अंदर में क्या कहें आपसे? महाराज जी ने हमें अपना असीम प्यार भरा स्नेह दिया, बच्ची को आशीर्वाद दिया, बच्चे को आशीर्वाद दिया, और हमें इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त कराया कि जैसे कि समाज में पहले भी उनका असीम प्यार और प्रेम बना, आशीर्वाद बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। पूनम भाटिया, आज महाराज जी आपके घर आए थे? हाँ जी, बहुत खुशी हुई, ऐसे लगा जैसे हमारे घर में श्री राम आए हैं। अंदर भी गए थे महाराज जी? जी हाँ हाँ, उन्होंने आए, उन्होंने अपना जो उनके छपे हैं कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करना है, उन्होंने वो अपना दिया, कम्प्लीट दिया। बच्चों से बात हुई, बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों का नाम दिया, उन्होंने बच्चों में मिष्ठान वितरण किया और बच्चों ने भी महाराज जी को मिष्ठान खिलाया। आज बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहेंगे उनकी उम्मीद जो इस उम्मीद को लेकर गए? 100% कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे, जीतना तो है ही, उन्होंने ही जीतना है और कोई आ ही नहीं सकता। यूपी की सीट तो उनकी पक्की है, बहुमत से जीतेंगे। हरमीत सिंह पे व्हाट्सएप भी कर देना ये। आज महाराज जी आए आपके घर, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? उन्होंने बस जैसे घर के मुखिया होते हैं, मुखिया अपने घर में आया, अपने बच्चों का उसने हालचाल लिया, कोई कष्ट प्रॉब्लम हो पूछी, लेकिन उनके होते तो भाई स्वाभाविक है, कष्ट नहीं हो सकता, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सबको प्यार किया, सबको आशीर्वाद दिया, बड़े स्नेह से सबसे मिले, मेरे माता पिता से मिले। बाकी इन्होंने यूपी में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा की, राम मंदिर की बात की, काशी मथुरा की बात की, बाकी गोरखपुर को और कैसे आगे बढ़ाना है, गोरखपुर का नाम विश्व में कैसे रोशन करना है, इस पर बात की। जो उम्मीद लेकर आए थे महाराज जी आपके पास, उम्मीद? यार वो हमारी उम्मीद है, वो हमारी उम्मीद है, हम जो नहीं कर सकते खुद वो हमारे लिए कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं ये मिसाल सभी पार्टियों के लिए, विपक्ष को तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर सीख लेगा विपक्ष, अकल आ जाएगी और देश तरक्की करेगा और तेज तरक्की करेगा, लेकिन भगवान जाने विपक्ष को अकल क्यों नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ लड़ो मत, महाराज जी से सीख लो, खाली सीख लो और वही करो जो महाराज जी कर रहे हैं। तो देखो प्रदेश कहाँ से कहाँ जाता है, देश कहाँ से कहाँ जाता है, कितनी ऊंचाइयों पे पहुँच जाता है। बस मैं एक छोटी सी बात करूँ, बहुत बड़ा है ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि आज एक प्रत्याशी के रूप में वो आज आ रहे हैं, जो कि कभी नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, कमल का यही पावर है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है। महादेव ऐतिहासिक वोट से महाराज जी की जीतैया, इतना वोट कभी भूतों न भविष्य कोई देखा होगा, यही निवेदन है।